निकाल दें फिर आपको, हाँ ये निकालेंगे ना। उत्तराखंड के प्रभारी बड़े भाई श्री देवेंद्र यादव जी का AICC प्रेस में स्वागत है, और वो आपको आज कुछ साथी कांग्रेस में नए शामिल हो रहे हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैं ज़्यादा ना समय ना लेता हूँ, उनको आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू विनीत भाई, सभी का स्वागत है। इससे पहले कि मैं हमारी एमिनेंट पर्सनैलिटी के बारे में आपको डिटेल में बताऊं, मैं हमारे साथ में माननीय गणेश गोंदियाल जी, जो अभी हमारे उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, मैं उनको भी आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्योंकि पहली बार बनने के पश्चात ये पहली मीटिंग है। तो भाई गणेश गोंदियाल जी का स्वागत, और मुझे खुशी है कि इस मौके पर मैं एक और ऐसी शख्सियत जो दलितों की आवाज़ और उत्तराखंड में 2004 से 2009 के बीच में हरिद्वार से माननीय सांसद के रूप में जिन्होंने अपनी पारी खेली, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अनुसूचित जाति विभाग समाजवादी पार्टी से, आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार बाड़ी जी हमारे बीच में हैं, जो आज हमारी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए हमारे यहाँ पर हमारे बीच में हैं। एक और ऐसी शख्सियत जो नगर निगम रुड़की से लगातार 5 बार पार्षद रहे और अभी भी लगातार 5वीं बार निगम पार्षद हैं, श्री रविंदर खन्ना जी हमारे बीच, रविंदर खन्ना जी हमारे बीच में हैं। मैं आपका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके इस फैसले से निश्चित ही जो हमारी उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐसा महत्वपूर्ण चेहरा आज हमारे साथ में जुड़ा है, जिससे आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूती प्रदान होगी, और निश्चित ही आपके अनुभव का और आपके कार्य का कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने में जो सहयोग मिलेगा, मुझे खुशी है आपको फॉर्मली इस पार्टी में ज्वाइन कराने का। और मैं आमंत्रित करता हूं भाई गणेश गोंदियाल जी भी, जो इस बारे में अपने वक्तव्य रखेंगे। बहुत ही आदरणीय हमारे प्रभारी जी श्री देवेंद्र यादव साहब, साथ में विनीत जी, और बहुत ही जिन्होंने ये खुशी हमें आज खुश होने का मौका दिया है, जो कि अभी शामिल हो रहे हैं, एक शख्सियत हैं उत्तराखंड से राजनीति की, आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार बाड़ी जी पूर्व सांसद, साथ में रविंद्र खन्ना साहब जो कि वर्तमान में भी और इससे पहले भी 4 बार, उसके साथ साथ अन्य सभी साथी, श्री मोहित कुमार जी पूर्व पार्षद, श्री चंद्रपाल राठौर साहब पूर्व सचिव, श्री ताहिर कार्यकर्ता बसपा से आए हैं, ये ताहिर जी, सरदार अनूप सिंह जी, तरुण अरोड़ा जी, नितिन पासी जी, दीपक चौहान जी, रोहित जी, श्री राम कुमार जी, श्री धीरज जी, श्री राम स्वरूप जी, श्री रवि कुमार जी, श्री शिवम खन्ना जी, श्री लक्ष्मण विधुड़ी जी, गौरव पटेल जी, शुभम बंसल जी, मुनार्क जी, आप सभी का आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं कांग्रेस पार्टी के परिवार में, कांग्रेस परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। जी 19 लोग हैं जी। आपको इस राजनीतिक शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि आप पूर्व में सांसद रहे, और आपकी पत्नी वाइस चेयरमैन रुड़की और 2 बार पार्षद रही, मैं भी
आप भी स्वयं वहाँ से पार्षद रहे हैं, और राजनीतिक शख्सियत का पता इस बात से लगता है, राजनीतिक उपयोगिता का पता इस बात से लगता है कि आप 2004 में सांसद बने जबकि उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो चुका था। चूँकि उत्तराखंड राज्य का निर्माण हो चुका था उसके बाद आप वहाँ से सांसद चुने गए, तो आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी राजनीतिक उपयोगिता कितनी अधिक है ये आप सब भी जान सकते हैं और हम सब भी जानते हैं। तो मैं इन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और मुझे बहुत ही खुशी है आदरणीय हमारे प्रभारी जी के साथ कि आज ये मौका आया है कि हम आपको कांग्रेस परिवार में शामिल कर रहे हैं। और अब मैं निवेदन करता हूं कि विधिवत रूप से परिवार में शामिल कराने से पहले आदरणीय बाड़ी जी दो शब्द यहाँ पर अपने मन के विचार यहाँ पर रखें। धन्यवाद आप लोगों का। आदरणीय उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी, और अभी जो हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री गणेश गोदयाल जी और बेबी खन्ना जी, और बीच में बैठे विनीत जी, मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद करूँगा। और आज मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूँगा, जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे निभाऊँगा और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूँगा। जितने हमारे साथी आए हुए हैं ये सारे आज शामिल हो रहे हैं, और मैं इतना कहूँ कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे तो आने वाला वक्त कांग्रेस का है। और देवेंद्र जी के नेतृत्व में और श्री गणेश जी के नेतृत्व में वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। और इसी के साथ अभी ज़्यादा ना कह के तो नहीं कहूँगा कि मैं तो 1988 में सभासद से मैंने अपनी शुरुआत की थी। दो बार सभासद रहा, वाइस चेयरमैन रहा, दो बार मेरी पत्नी सभासद रही, वाइस चेयरमैन रही, फिर लड़का पार्षद रहा। तो रुड़की में मेरा निवास स्थान है और 2004 से 9 तक में रहा। मेरा कार्य आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट में भी मेरी निकाल लेंगे तो सब में ज़्यादा काम मेरे हरिद्वार के अंदर हुए हैं। जो आने वाले वक्त में ये सब कांग्रेस को मजबूती भी देंगे, और जो मेरा कार्य है उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता जो हैं वो कांग्रेस के साथ लगी, निश्चित थी कांग्रेस मजबूत होगी और वहाँ सरकार कांग्रेस की बनेगी। ठीक है, धन्यवाद आपका स्वागत है। Gracias.
कुमार जी। श्री मोहित कुमार जी। सब आ जाइए सब। आप सब आ जाओ सर। मोहित को बुला रहे हैं। मोहित आ जाओ। आइए। पट्टे। इसका ले लो मोहित। पट्टे पट्टे कहाँ हैं? चौक पे बुला लेंगे। तुम आप बुला लो। बुला लो। नहीं और थे काफी थे पट्टे। आपका कोई आदमी है फोटो खींचने वाला? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कोई क्वेश्चन? लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन। मैडम कब प्रसारित हो रहा है मेरा इंटरव्यू? भेजा तो आपको। भेज दिया ना?